गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ भरत कुरसेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, सोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमारा पहला चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हमने जो हमारा पिछला टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या था बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उम्मीद करता हूं अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आज भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है बच्चों। तो पूरा अपना ध्यान रखना, अपनी प्रेजेंस दिखा दीजिए गुड मॉर्निंग बोल के, हाय बोल के कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो कौन सा टॉपिक होगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। कौन सा होगा बच्चों, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। बच्चों मैंने बताया था आपको कि जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट किससे बनता है, एटम से मिलकर बनता है। तो यानी जब भी किसी एलिमेंट के लिए अगर हम मास निकालेंगे तो किसका मास निकालेंगे, एटम का मास निकालेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कंपाउंड की, या बात करें किसकी, मिक्सचर की, तो हमारा कंपाउंड या मिक्सचर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। तो अगर हम कंपाउंड की या मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम एटॉमिक मास नहीं निकालेंगे, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या है डिटेल में अच्छे से, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो देखो आपका जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इसके अंदर एटॉमिक मास रिलेट और इसके साथ में आपका रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास तो आप जानते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो भी आप थोड़ी देर में जानेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे जो डाल्टन साहब आए थे, उन डाल्टन साहब ने हमें एटम के बारे में बताया था। अब उन्होंने बोला कि जब एटम होता है तो एटम का एटॉमिक मास भी होता है, एटम स्ट्रक्चरलेस होता है लेकिन उसका कुछ मास होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो एटम का जो मास होता है वो किसी ना किसी के रेफरेंस में तो निकाला जाएगा ना। तो जब एटम का मास किसी के रेफरेंस में निकाला जा रहा है, जब किसी भी एटम का मास किसी अदर रेफरेंस में निकाला जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, रिलेटिव एटॉमिक मास। वो क्या हो जाएगा फिर, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कैसे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप पोटैटोस खरीदने जाते हो मार्केट में, ठीक है। आप मान लो वन किलोग्राम पोटैटोस खरीद के लाए, परचेस करके लाए। अब आप जो 1 किलोग्राम पोटैटोस लेके आए हैं, आपने जो उसको मीजर करवाया है तो वो किसी ना किसी के रेफरेंस में तो मीजर करवाया ना आपने। यानी 1 किलोग्राम का जो बाट था, एक तरफ आपके 1 किलोग्राम पोटैटोस रखे होंगे जो सब्जी वाले उसने, और एक तरफ आपके जो है 1 किलोग्राम का बाट रखा होगा उसमें तराजू में। तो यानी आपने 1 किलोग्राम पोटैटोस को किसके रेफरेंस में मीजर करवाया, 1 किलोग्राम के बाट के रेफरेंस में मीजर करवाया। अब वो 1 किलोग्राम का बाट, वो 1 किलोग्राम का बाट किसी और 1 किलोग्राम के बाट के रेफरेंस में मीजर हुआ होगा नहीं हुआ होगा, और वो 1 किलोग्राम का बाट किसी और 1 किलोग्राम के बाट के रेफरेंस में मीजर हुआ होगा, बिल्कुल है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही जो है, जब भी हम एटम के मास को किसी के रेफरेंस में मीजर करते हैं, किसी के रेफरेंस में मीजर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। वो क्या हो जाता है बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। अब देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं कि अब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं किसी भी एटम के लिए, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन के स्वीट 12 आइसोटोप का यूज किया गया। आप जानते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, Xc12, Xc13, Xc14, ठीक है बच्चों। आइसोटोप क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना। मतलब आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक मास अलग अलग हो, जिनका एटॉमिक मास अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। यानी ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, वो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, Xc12, Xc13, Xc14, ठीक है, जिनमें उनका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है लेकिन मास हो जाता है 12, 13 एंड 14। तो कार्बन का जो C12 एटम है, यानी C12 वाला आइसोटोप है, उसका यूज किया गया। क्या किया गया, उसका यूज किया गया। अब कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के
एक एटम का जो मास है वो कितना है, 12। कितना है बच्चों, 12 यूनिट है कि नहीं है। तो क्या किया गया, इसके 12 इक्वल पीसेस किए गए, इसके 12 इक्वल पीसेस किए गए। और 12 इक्वल पीस जब इसके किए गए, तो जब 12 यूनिट है मास किसका, एक एटम का, जब एक एटम का मास, कार्बन 12 के एटम का मास जो है वो 12 यूनिट है, तो अगर इसके 12 इक्वल पीसेस कर दिए जाएं, तो इसके 1/12 पीस, यानी 1/12 पीस का मास कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब ये जो ये 1 यूनिट है, इसके रेफरेंस में, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के 1 के मास के 1/12 पार्ट के रेफरेंस में, किसको, अदर एटम जो है उनके एटॉमिक मास को क्या किया गया, निकाला गया, उससे उसको रिलेट किया गया। कैसे, देखो मेरी बात सुनो। जैसे एक हाइड्रोजन एटम लिया, एक हाइड्रोजन एटम लिया, और हाइड्रोजन एटम को कार्बन 12 आइसोटोप के मास के 1/12 पार्ट के रेफरेंस में क्या किया गया, मेजर किया गया। तो दोनों का जो वेट है, दोनों का जो वेट है या मास है, देखो केमिस्ट्री में मैंने पहले भी बोला था, आप मास बोलो या वेट बोलो बात एक ही है, बोला था नहीं बोला था। हाँ, फिजिक्स में अगर आपने बोल दिया ना मास और वेट को, तो डंडे पड़ेंगे फिर आपको, है ना, क्योंकि वहां पे मास और वेट दोनों अलग अलग चलता है, जो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो कहने का मतलब यह है कि जो इसका जो कार्बन के जो C12 आइसोटोप के 1 एटम के मास का जो 1/12 पार्ट है, उसका जो मास है वो कितना है, 1 यूनिट। वो किसके आ जाता है, हाइड्रोजन एटम के, एक हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो कितना होगा, 1 यूनिट के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट ही होता है, आप भी जानते हैं, तो ऐसे ही निकाला गया। अब अगर मैं बात करूं किसकी, सोडियम, किसकी बात करूं मैं बेटा, सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास आप जानते हैं 23 होता है, होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम एटम है, जो सोडियम एटम है वो किसका, जो कार्बन 12 आइसोटोप के 1 एटम का जो मास है उसके 1/12 पार्ट का कितने टाइम्स होगा, 23 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 23 टाइम्स होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम यानी इसके लिए सोडियम के लिए 23 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। अब मैं बात करूं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आप जानते हैं कि एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है। तो हम ये कह सकते हैं किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, कार्बन 12 आइसोटोप के रेफरेंस में कह सकते हैं कि इसके एक एटम के मास का 1/12 पार्ट का जो मास है यानी 1 यूनिट, उसका ये कितना टाइम्स होगा, उसका ये हो जाएगा बेटा कितना, 23 टाइम्स हो जाएगा इसका एटॉमिक मास मैग्नीशियम का। तो इसके लिए मास कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम के लिए 24 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 24 यूनिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम उसके बाद, तो यही जो मैंने बात बोली है इसी को पढ़ेंगे अपन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर, ये नंबर के रूप में डिफाइन किया जाता है। किस रूप में डिफाइन किया जाता है बच्चों, नंबर के रूप में डिफाइन किया जाता है। विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। यानी C12 जो आपका आइसोटोप है उसके 1 एटम का जो मास है उसका जो 1/12 पार्ट है उसके कंपेरिजन में किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है वो कितने टाइम्स होगा, उसको ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसको ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट,
किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी के भी एटम के लिए, तो आपको किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास लेना होगा और उसमें जो है 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम के वन एटम के मास का 1/12 पार्ट आपको यानी 1 यूनिट लेना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, है ना। जैसे हम निकाल रहे हैं, अभी मैंने आपको बोला कि हमने निकाला किसके लिए, सोडियम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सोडियम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो उसके एक एटम का जो है मास कितना होगा, 23 यूनिट, और इसका जो है कितना मास हो जाएगा, कार्बन 12 एटम के एक एटम के मास का 1/12 कितना था हमारा, 1 यूनिट, यानी आंसर कितना आएगा हमारा, 23 यूनिट। यानी सोडियम का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 यूनिट। क्लियर है बच्चों, ऐसे सोडियम का कितना आ जाएगा, ये हमारा सोडियम का हो गया कितना, 23 यूनिट। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है कि आपने जो है अब तक जो भी पढ़ा है मास, एटॉमिक मास, वह या तो ग्राम में पढ़ा है, वो या तो किलोग्राम में पढ़ा है, यूनिट की फॉर्म में आपने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा, और आप में आपको उसी में अच्छा लगता है निकालना। तो अब आपकी ख्वाहिश पे हम क्या करेंगे, मास को ग्राम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ग्राम में निकालें रिलेटिव एटॉमिक मास तो कैसे निकलेगा, देखो एटॉमिक मास यूनिट, जिसको ये आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, जो द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो C12 का एक एटम का मास का जो 1/12 पार्ट है, C12 के एक एटम के मास का जो 1/12 पार्ट है वो किसके इक्वल होता है, वो किसके रूप में जाना जाता है, आपका एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में जाना जाता है। यानी जो आपने यूनिट निकाला है ना उसको आप क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे, ठीक है, एक यूनिट बोलेंगे। क्लियर है, सिंस मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब देखो बच्चों अगर आप ग्राम में निकाल रहे हो, अगर आप किस में निकाल रहे हो, ग्राम में निकाल रहे हो C12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट, तो यानी एक यूनिट के इक्वल आप ग्राम में निकालना चाहते हैं वैल्यू। तो देखो एक एटम जो होता है कार्बन 12 का, उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 1.9924×10⁻²³ ग्राम होता है, ठीक है बच्चों। ये किसका होता है, पूरे कार्बन 12 के एक एटम का होता है, लेकिन अपन को उसके 1/12 पार्ट का मास चाहिए, क्योंकि वही तो 1 यूनिट के इक्वल आएगा ना, तो 1/12 पार्ट निकालेंगे इसी का, ठीक है। तो 1.9924×10⁻²³ में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/12 पार्ट का मास आ जाएगा, जो कितना आएगा हमारा, 1.67×10⁻²⁴ ग्राम, और यही हमारा किसके इक्वल है, 1 AMU के लिए आप या 1 यूनिट के लिए, बात एक ही है। क्लियर है बच्चों। अब देखो अगर हम इसी को किस में चेंज कर दें, ग्राम में चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, ग्राम किलोग्राम में, सॉरी किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.67×10⁻²⁷ किलोग्राम, ठीक है बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, हाय, कुछ तो कह के अपनी हाजिरी दिखाइए, ऐसे चुपचाप मत देखिए वीडियो को, ठीक है ना, ऐसे चुपचाप मत देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स पढ़ने के, इट मे बी नोटेड दैट एटॉमिक मासेस आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ये नोट किया किया कि जो एटॉमिक मास है वो हमारा क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो क्या है हमारा, रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी। एंड नॉट द एक्चुअल मासेस, वो क्या है, एक्चुअल मास नहीं है किसी भी एटम का। यानी आपने ये नोट किया अब तक कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ना कि उसका एक्चुअल मास होता है। क्लियर है बच्चों, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, है ना।
थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपका रिलेटिव एटॉमिक मास और एक्चुअल मास। अब देखो दीस मासेस ऑन द एटॉमिक मास स्केल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये जो मासेस है एटॉमिक मास स्केल पर किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में, एम यू की फॉर्म में, जिसको आप क्या कहते हैं, एम यू कहते हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये आप अभी। टुडे एम यू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू। अब एम यू बहुत लंबा लगता है ना, बहुत लंबा लगता है एम यू बोलना, एटॉमिक मास यूनिट, तो उसको आपने शॉर्ट में क्या कर दिया, यू कर दिया, विच इज नॉन एज यूनिफाइड मास, जिसको क्या बोलते हैं हम, यू मतलब यूनिफाइड मास। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए आप, वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एम यू मतलब इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ वन ट्वेल्व सी ट्वेल्व आइसोटोप। मतलब सी ट्वेल्व आइसोटोप के एक एटम के मास का वन अपॉन ट्वेल्थ पार्ट किसके इक्वल होता है, वन एम यू के, किसके इक्वल, वन एम यू के। ठीक है, अब देखो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वो एक्चुअल मास नहीं होता है। वो चीजें आप, मैं क्लियर कर रहा हूं आपकी। जैसे आप एटॉमिक मास ले रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का। अब जब एक्चुअल मास अगर बोले तो वो होता है 1.008 amu या यूनिट, एक्चुअल मास ये होता है हाइड्रोजन का। लेकिन आप उसको लगभग कितना ले लेते हैं, वन यूनिट, तो वो आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है। ऐसे ही जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए अगर एक्चुअल मास निकालेंगे तो हो जाएगा 15.994 amu। ठीक है, लेकिन आप उसको कैसे ले लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में, तो कितना लेते हैं आप, 16 amu लेते हैं। तो ये फर्क होता है बच्चा रिलेटिव एटॉमिक मास में और एक्चुअल एटॉमिक मास में। क्लियर है बच्चों? क्योंकि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास लेना पड़ता है। अगर हम यही वैल्यूस अगर कैलकुलेशन में पुट कर देते हैं तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए फिर रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज में लिया जाता है। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ वन ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ वन ग्राम एटम। देखो बच्चों ये क्या है, किसी भी एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ वन ग्राम एटम या वन ग्राम एटम का मास हो जाएगा। देखो कैसे, ग्राम में तो अपन ने वहां पे भी अभी रिप्रेजेंट किया था। जैसे अभी आपने क्या किया, आपने वन यूनिट को किसके इक्वल निकाला, यानी आप अभी अपन ने बात करी थी कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, वन यूनिट होता है, और वन यूनिट को आपने किसके इक्वल निकाला था, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, या किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मगर आप यहां देखें एक्सपोनेंशियल में 10 की पावर माइनस 24, यानी ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो रही है, बहुत ज्यादा। तो इस वैल्यू को हम ग्राम में लिखकर अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करें तो वो पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज करेंगे। ये वन यूनिट है, वन यूनिट को हम वन ग्राम में चेंज कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो इतने ग्राम है, इसको ग्राम में कैसे लिख देंगे हम, हैं कोई घर का राज थोड़ी चल रहा है जो इसको ग्राम में रख देंगे। इसको ग्राम में चेंज करेंगे, लेकिन ये वन ग्राम अब केवल एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं है, अब ये बहुत सारे जो हाइड्रोजन एटम है उनका मास है, कितना, वन ग्राम। लेकिन अब इस एक ग्राम में हाइड्रोजन के कितने सारे एटम होंगे, तो बेटा आपने अवोगाद्रो नंबर पढ़ा है, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर पढ़ा है, यानी ये अब एक ग्राम जो है हाइड्रोजन का जो मास है
ये हाइड्रोजन की एक एटम का नहीं है, हाइड्रोजन के एक मोल एटम का मास है, एक मोल एटम का मास है। और एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 × 10³ एटम। समझ में आ रही बच्चों? तो अब ये जो 1 ग्राम जो मास है ना, वो हाइड्रोजन के एक एटम का नहीं है, बल्कि 6.022 × 10³ हाइड्रोजन एटम का जो मास हो जाएगा वो कितना होगा? 1 ग्राम होगा, जिसको हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना है बेटा? 1 ग्राम है। तो मतलब अब मोल की फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे? मास का यूज करेंगे, एटॉमिक मास का। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। हाँ, जाग रहे हो ना? सो तो नहीं गए ना? जागते रहना, एक अच्छी बात अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। मैंने बोला था हर वीडियो में एक अच्छी बात बतानी जरूरी है, नहीं तो तुम क्या सो जाते हो? सोया मत करो, यहां देखो। ठीक है, अब देखो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का जो है मास कितना होता है? 1 यूनिट होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? 1 मोल एटम की बात करें हाइड्रोजन के, ठीक है, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 यूनिट, लेकिन अगर ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। अब ऐसे कार्बन के एक एटम का मास होता है कितना? 12 यूनिट, लेकिन अगर 1 मोल एटम का मास निकाले कार्बन के तो हो जाएगा 12 ग्राम। ऐसे सोडियम के एक एटम का मास होगा 23 यूनिट, लेकिन सोडियम के 1 मोल का एटम का मास हो जाएगा 23 ग्राम। ऐसे ही फेरस के, ठीक है, एक एटम का मास कितना होगा? 56 यूनिट, लेकिन इसके 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? 56 ग्राम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये है हमारा अगला, ये हमारा एटॉमिक मास यहाँ पे खत्म होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी खत्म होता है। अब बात करेंगे किसकी? मॉलिक्यूलर मास की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास की, है ना? पूरा ध्यान यहां रखना। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास की हम बात करेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करेंगे, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आप समझ चुके हैं कि जो मास होता है वो किसी ना किसी के रेफरेंस में निकलता है, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है, शॉर्ट में ही समझेंगे थोड़ा सा। अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ये एटॉमिक मासेस का सम होता है ऑफ द एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। मैंने आपको पहले बताया मॉलिक्यूलर मास किसके लिए निकलेगा? मॉलिक्यूल के लिए निकलेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं, उनका जो एटॉमिक मास है उसका अगर हम सम निकालेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, है ना? तुम्हारे मन में अभी थोड़ी सी बात यह हो रही कि सर लाइन समझ में नहीं है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगी। देखो आप जानते हैं, जैसे मैंने क्या लिया? वाटर लिया, ठीक है, मैंने ये वाटर ले लिया। मान लो वाटर लाल कलर का नहीं होता, मुझे भी पता है, लेकिन मान तो सकते हो। तो देखो ये वाटर ले लिया अपन ने, अब ये क्या है? वाटर का पूरा एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। मैंने इसमें से वाटर का एक क्या निकाल लिया? मैंने वाटर का इसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल लिया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट्स के अंदर जो एटम है, यानी यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो अब इनके जो एटॉमिक मास है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 एटम का मास होता है हाइड्रोजन के 1, 2 एटम है तो 2, प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 16, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 2, 2 + 16 = कितना आ जाएगा? 18 यूनिट आपका क्या आ जाएगा? मास हो जाएगा किसके? H2 के
मॉलिक्यूल का। तो समझ में आ गई बात, क्या करते हैं, अब लाइन भी समझ में आ गई होगी। अब देखो, इट इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रत्येक एलिमेंट, यानी इसके अंदर एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, अब इसके अंदर दो एटम है, तो दोनों के एटम के मास को अपन ने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर, और फिर हमने क्या कर लिया, इनको दोनों एटम के, दोनों एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट थे उनका अलग अलग मास निकाल लिया मल्टीप्लाई करके और उनको एड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब निकालेंगे अपन क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने वहां निकाला था, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, वैसे हम क्या निकाल रहे हैं यहां, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी अब जो मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम यूनिट में प्रेजेंट करने के बजाय किस में प्रेजेंट करेंगे, ग्राम में प्रेजेंट करेंगे, तो फिर वो हो जाएगा हमारा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी मास ऑफ वन ग्राम मॉलिक्यूल, वन ग्राम मॉलिक्यूल का मास। अब देखो वन ग्राम में, जैसे वहां पे मेरे आपको बताया था कि जैसे वहां पे वन ग्राम एटम में, वन ग्राम किसी भी एटम का मास अगर वन ग्राम है तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट थे, वन मोल, यानी 6.023 × 10³³ कितने एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट थे वन ग्राम में, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मोल, मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के एक ग्राम में, मॉलिक्यूल के एक ग्राम में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अपन अगर क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, तो उसके एक ग्राम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो वन मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, कितने, वन मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, यानी एक ग्राम अगर क्या है, एटम का मास है, तो उसमें वन मोल एटम प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर वन ग्राम मॉलिक्यूल का मास है तो उसमें वन मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और वन मोल का मतलब है 6.023 × 10³³, यानी वहां पे 6.023 × 10³³ एटम्स प्रेजेंट है वन मोल में, यहाँ 6.023 × 10³³ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वन मोल में। क्लियर है बच्चों, अब देखो when numerical value of molecular mass of the substance is expressed in grams then the value becomes gram molecular mass। जब numerical value जो होती है molecular mass की किसी भी substance के, तो उसको जब हम express करते किसमें, grams में, तो वो क्या हो जाता है हमारा, gram molecular mass हो जाता है। clear है बच्चों, अब देखो कैसे कर रहे हैं हम express, वो भी देख लो, कुछ भी नहीं, जैसे atom में किया था वैसे ही। जैसे मान लो कि ये है एक compound, ठीक है, अब इस कंपाउंड का जो है एक मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड के ये क्या है, मॉलिक्यूल सारे, तो इनका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है यानी H2O के कंपाउंड में से हमने H2O का एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब H2O का जो मॉलिक्यूल लिया है तो हम उसका क्या निकाल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। अब यहां हाइड्रोजन के कितने, दो एटम है, तो एक एटम का मास होता है वन, दो एटम का मास हो जाएगा कितना, 1 × 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 18 यूनिट आएगा, यानी वन मॉलिक्यूल जो होता है H2O का उसका मास कितना होता है, 18 यूनिट होता है। अब देखो बेटा, अब अगर हम इसको किस में लिख रहे हैं, ग्राम में लिख रहे हैं, तो अब ये जो ग्राम है वो क्या है, एटम के मतलब H2O के एक मोल मॉलिक्यूल का मास है, किसका, एक मोल मॉलिक्यूल का मास है, यानी अब ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास कहलाएगा H2O के। ऐसे ही
CO2 के, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 यूनिट, लेकिन CO2 के एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। ऐसे H2SO4 के, H2SO4 के वन मोल का मास कितना होगा 98 यूनिट, लेकिन वन मोल मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा इसके 98 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही HNO3 के जो है वन मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, सॉरी वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 63 यूनिट, और वन मोल मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 63 ग्राम। ऐसे ही जो आपका C2H5OH है, इसका जो मास है अगर आप निकालेंगे वन मॉलिक्यूल का तो कितना 46 यूनिट, लेकिन अगर आप किसमें वन मोल मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं अगर इसका, तो हो जाएगा 46 ग्राम। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका हो गया क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ आप एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ेंगे और फॉर्मूला मास भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ना जरूरी है। अच्छा, अच्छी बात जो है आज इस वीडियो की जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, वो आज अच्छी बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपने आप को, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट कर लूं अच्छे से, एक ही बार में उस एग्जाम को क्रैक कर लूं या पास हो जाऊं अच्छे नंबरों से, तो बेटा सबसे जरूरी क्या है कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखें, क्योंकि अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो ही आप अपने काम में अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। और आज बेटा योग दिवस है, 21 जून है, ठीक है, आज योग दिवस है, ठीक है, आज सभी जगह कई सारे प्रोग्राम भी रखे गए हैं, तो बेटा आज से एक प्रण लीजिए कि थोड़ी देर जितना आपको मिले योग जरूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट भी रखिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, अगर आप दिन में 8 घंटे 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 एंड 1.5 आवर 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, एक्सरसाइज करने में, योगा करने में भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए बच्चों, क्योंकि उसी से वो जो आपके 1.5-2 घंटे में की गई जो एक्सरसाइज है, योगा है, उसी से आपको पावर मिलेगी बाकी के 8 घंटे पढ़ने में, बाकी के 8 आवर्स स्टडी करने में। तो ये जरूर ध्यान रखो बेटा, है ना, क्लियर है? यानी अपनी बैटरी को 1.5 से 2 घंटे चार्ज करोगे तो 8 घंटे ढंग से चलोगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अब है देखो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या है? देखो कई सारे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में बता देता हूं। देखो मैंने अभी आइसोटॉप्स की बात करी थी, आइसोटॉप्स मतलब जिनका एटॉमिक मास अलग अलग हो, ऐसे एटम लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, और मैंने आपसे बोला था कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक C12, एक C13, एक C14। अब इन तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, तीनों का 6 रहता है एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास चेंज है 12, 13 एंड 14। तो ऐसे जो आइसोटॉप्स होते हैं, जब इनका जो एवरेज मास निकाला जाता है तो वो हो जाता है, मतलब उनके ऐसे एटम का जो एवरेज मास निकाला जाता है वो हो जाता है क्या, एवरेज एटॉमिक मास। यानी ये किसका निकलेगा, आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। क्लियर है बच्चों? है, जाग तो रहे हो ना, देखो यहां पे जल्दी से, है ना, सोना मत, सोना पाप है जब पढ़ाई करें तो। क्लियर है? कई बच्चे सो जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए देखो मैनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप, मतलब कई सारे जो एटम होते हैं, कई सारे जो एलिमेंट होते हैं या एटम होते हैं, वो एक से ज्यादा आइसोटोप में नेचुरली मिलते हैं। व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस परसेंट अकरेंस, मतलब इनकी जो परसेंट में अकरेंस है, परसेंट में जो अकरेंस है, जिसको हम रिलेटिव एविडेंस बोलते हैं, जिसको हम रिलेटिव एविडेंस बोलते हैं, ठीक है, उसके रेफरेंस में
अगर हम इसका क्या करें, इन आइसोटोप्स का एग्जिस्टेंस को अकाउंट करें, एक्सिस्टेंस को काउंट करें, तो जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या होगा, कंप्यूटेड हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या कर रहे हैं। देखो ये इसके, मैंने अभी बोला था कार्बन के तीन आइसोटॉप हैं, कार्बन के थ्री आइसोटॉप्स हैं, C12, C13 एंड C14। अब इनका रिलेटिव एविडेंस देख रहे हैं कितना है, ठीक है, C12 का इतना है, C13 का इतना है और C14 का इतना है रिलेटिव एविडेंस, परसेंट अकरेंस जो इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद इनका मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो C12 का मॉलिक्यूलर मास ये है और C13 का मॉलिक्यूलर मास ये है और C14 का मॉलिक्यूलर मास ये है। अब तीनों की रिलेटिव एविडेंस भी अलग अलग है और तीनों का एटॉमिक मास भी अलग अलग है। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो देखो बच्चों, फ्रॉम द एबव डाटा, इस डाटा से द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है, विल कम आउट टू बी, वो प्राप्त होगा कैसे, देखो क्या करेंगे, रिलेटिव एविडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये है किसमें, परसेंट में, तो जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यस तो बोलो, होगा। देखो अब क्या करेंगे, 98.892 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके एटॉमिक मास यानी 12 यूनिट के साथ, प्लस इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास के साथ, प्लस जब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वैल्यू के साथ, इसके मास के साथ, तो हमें जो अंत में, जो एंड में जो आंसर मिलेगा इन सबको कैलकुलेट करने के बाद, तो मिलेगा 12.011 यूनिट, यानी जो कार्बन एटम है हमारा, उस कार्बन एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 12.011 यूनिट, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मास, अब निकालेंगे क्या, फॉर्मूला मास। अब बच्चों फॉर्मूला मास क्या होता है, देखो, इन सम कंपाउंड देयर एंटिटीज प्रेजेंट इन आयंस, देखो कुछ कंपाउंड में जो एंटिटीज होती है ना, जो एंटिटीज होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है बच्चों, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फॉर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, और इस तरह के कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड, और इस तरह के कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, अब NaCl के लिए हम फॉर्मूला मास निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जो NaCl है हमारा, सोडियम क्लोराइड है, उसमें हमारी जो एंटिटीज है वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, Na+ एंड Cl- आप भी जानते हैं, तो हम एटॉमिक मास निकालेंगे किसका, Na+ का, और एटॉमिक मास निकालेंगे किसका, Cl- का, और दोनों को क्या कर देंगे, एड कर देंगे, तो एटॉमिक मास Na+ का हम जानते हैं 23 होता है यूनिट, और जो हमारा एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का वो 35.5 यूनिट होता है, दोनों को एड करेंगे तो NaCl का जो हमारा टोटल फॉर्मूला मास है वो कितना हो जाएगा बेटा, 58.5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, है ना, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज पढ़ा है, नहीं पढ़ा आपने, तो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसका हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं हम, तो देखो यहां पे हमने एक्चुअल वैल्यू रख रखी है किसकी, एटम्स की, लेकिन आप इसमें जो रिलेटिव
एटॉमिक मास, यहाँ पे एक्चुअल एटॉमिक मास रख रखा है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन का यहाँ पे लिख रखा है रिलेटिव एक्चुअल मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, और यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास रख रखा है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का हमने एक्चुअल एटॉमिक मास रख रखा है। लेकिन आप इसका जैसे कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 लिख सकते हैं इस पूरे की जगह, यहाँ पे आप हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना 16 लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखते ही हम है ना, लेकिन यहाँ लिख दिया है एक्चुअल एटॉमिक मास। अब देखिए तो C6 तो 6 इंटू कार्बन एटम के, कार्बन के वन एटम का मास कितना हो जाएगा 12.011 यूनिट, और प्लस 12 हाइड्रोजन एटम है तो 12 इंटू एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 यूनिट। ऐसे ही आपके ऑक्सीजन के कितने 6 एटम है तो 6 इंटू एक एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन के 6.00 यूनिट। इस पूरी वैल्यू का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो है ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना ऑप्टेन होगा टोटल 180.162 यूनिट। यानी ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल का, ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना होता है 180.162 यूनिट। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोल कंसेप्ट। क्या रहेगा? मोल कंसेप्ट। देखो बच्चों, ये मोल कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसको अधूरा भी नहीं छोड़ सकते हम, तो इसको अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मासेस पढ़े, उसके अंदर हमने एवरेज एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास भी थोड़ा सा पढ़ लिया है ना, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का तब बताया था कि यहाँ से कई सारे न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज आपको पढ़ाई में कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं मैसेज, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ी देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक मोल कंसेप्ट। कोशिश करेंगे कि जो हमारी अगली क्लास है उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों, और शायद हो भी जाएगा, पूरी कोशिश है जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अच्छे कमेंट्स दें, और मिलते हैं अगली क्लास में। और आज के लिए बस इतना ही, आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा।